हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ शेप्स। आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 102 के, उस पर है द वर्ल्ड ऑफ शेप। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। शेप्स क्या होती है? मैथ्स के अंदर ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं बहुत सारी। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे क्या होती है। ओके, फर्स्ट है टाइप ऑफ लाइन्स। टाइप ऑफ लाइंस क्या होती हैं? देयर आर थ्री टाइप ऑफ लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लेंट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लाइन हमारी सरफेस के इक्वल पैरेलल चलती है, जो इस हमारी सरफेस के पैरेलल चलती है, दो आर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस वन, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? हमारी सरफेस के अपोजिट में चलती है, लाइक अप एंड डाउन, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। ओके, नाउ थर्ड पे आते हैं, इज अ स्लेंट लाइन। दीज आर कॉल्ड स्लेंट लाइन। ये कैसी भी हो सकती है ना, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्लेंट लाइंस। Now move to next phase. Phase क्या होता है? Phase क्या होता है? Phase होता है the surface of a solid shape. कोई solid shape है, उसका surface कहलाता है shape. इस कॉल्ड फेस। बेसिकली फेस जो होता है वो 3D शेप्स के अंदर होता है, 2D में नहीं होता, क्योंकि 2D के अंदर बेस जल्दी से क्या होता है कि वो सरफेस नहीं होता है। तो वी हैव द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड फेस। सेकंड इज एज। एज क्या होता है? एज होता है एन एज इज लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस मीट्स, जहां पर दो सरफेस कहें या फिर दो फेसेस आपस में जॉइंट हो रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। ठीक है, थर्ड है अपने पास में वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है अ वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर द एजेस मीट्स। वर्टेक्स क्या है? एक वो पॉइंट होता है जहां पर कि हमारे एजेस मीट करते हैं। मे बी आपके जो एजेस है वो कहाँ मिल रहे हैं, हमने को ये चेक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ऑब्जेक्ट लेकर के देखते हैं, इट्स अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर जो शेप होता है, वी हैव स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में क्या होता है, आपके चारों जो हैं ये बराबर होती है, आपके चारों ये एजेस हैं, ये लाइंस हैं, ये बराबर हैं, तो ये स्क्वायर है। और स्क्वायर का जो सॉलिड शेप होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूब है, स्क्वायर का क्यूब बना हुआ है, इसको हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये फ्लैट फेस है, दिस इज कॉल्ड सरफेस। दिस फ्लैट फेस, दिस फ्लैट फेस, दिस फ्लैट फेस एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड सरफेस। यू कैन से इट्स फेसेस। ये इसके फेसेस है। इसके पास कितने फेसेस हुए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके पास में 6 हुए फेसेस। अब कहें कि भाई एजेस क्या होते हैं? एजेस क्या होता है? एजेस वो एजेस इज अ लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस मीट्स। वेयर टू फेसेस मीट्स? दिस लाइन सेगमेंट। दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज। हियर इज अ एक फेस ये है और एक फेस ये है। ये कहां पर आकर के मिल रहा है? इस लाइन सेगमेंट पर आकर के मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा एज हुआ।
ठीक है, ये होता है एज। और थर्ड है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर द एजेस मीट्स। वी हैव थ्री एजेस राइट नाउ, 1, 2 एंड 3। एक एज यहां से आ रहा है, इसको ये सरफेस, ये फेस और ये फेस मिला तो क्या बना? ये एज बना। ये वाला सरफेस मिला, ये मिला तो क्या बना? एज। ये वाला फेस और ये वाला फेस यहां पर आकर के हो रहा है, तो ये क्या है? एज। अब ये तीनों जो एज हैं वो यहां पर आकर के एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इन दिस क्यूब वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वी हैव 8 वर्टेक्स एंड वी हैव 12 फेसेस, वी हैव 12 एजेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एग्जांपल लेकर देखते हैं। आइडेंटिफाई द पॉइंट, लाइन, सेगमेंट एंड रे। ओके, आइडेंटिफाई द पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट है अपने पास में इसका ए पार्ट, अपन लेके देखते हैं। ए ये है, इसमें ये क्या है? ये है हमारे पास में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। नाउ इसके बी पे आते हैं, पॉइंट बी। ये क्या है हमारे पास में? पॉइंट सेगमेंट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, इट्स अ सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? ए एंड बी। ये क्या है हमारे पास में? इट जस्ट अ लाइन सेगमेंट। यू कैन से इट जस्ट अ लाइन। ओके, यू कैन ओनली से दिस अ लाइन। नेक्स्ट इज योर डी पार्ट। डी क्या है? लाइक दिस, सी एंड डी। ये दो पॉइंट्स है हमारे पास सी, सी और डी में। लेकिन हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये क्लोज है और ये पॉइंट ओपन है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रे सेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? रे सेगमेंट। ओके, फाइन। नाउ मूव टू नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द प्लेन फिगर्स एंड राइट देयर नेम्स। फर्स्ट क्या है इसमें? सेकंड का ए पार्ट है हमारे पास में रेक्टेंगल, बी है ट्रायंगल, सी है सर्कल और डी है स्क्वायर। स्क्वायर का सॉलिड शेप क्या बनाता है? क्यूब। और रेक्टेंगल का सॉलिड शेप क्या बनाएगा? 3D सॉलिड शेप, क्यूबॉइड। और सिक्स्थ है, सॉरी ई पार्ट है इसका, ओवल। नाउ एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। राइट द नंबर ऑफ फेसेस। नाउ मूव टू पेज नंबर 103। राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, चलो हम ए लेके देखते हैं। ए हमारे पास में क्या है? एक क्यूबॉइड शेप है। ए नहीं, अपन लोग ई लेते हैं, वी गो टू ई। ठीक है, ई में क्या देखना है हमें? कि इसके हमें निकालने हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स। हमें क्या फाइंड करने हैं? इसके फेसेस, वर्टेक्स। फाइन, हमें वर्टेक्स निकालना है इनके। वर्टेक्स, फाइन। अब हमें क्या करना है? चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर ई हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ये शेप, ठीक है, क्यूब है। क्यूब कैसे बनाते हैं हम यहां पर? क्यूब शेप, फाइन।
अब हमें इसमें ढूंढना है कि इसमें कितने सारे तो हमारे पास में फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने वर्टिसेस हैं हमारे पास में, ठीक है। तो मैंने फेसेस आपको बताए थे कि जो हमारे पास में जो उसके फ्लैट सरफेसेस हैं वो है हमारे फेसेस। तो लेट्स काउंट हाउ मेनी सरफेस वी हैव। फेसेस 1, 2, 3, 4, 5 and 6 वी हैव सिक्स फेसेस। वी हैव सिक्स फेसेस। नाउ मूव टू एजेस। एजेस हम कैसे काउंट करते हैं? एजेस वेयर टू फेसेस मीट्स दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड व्हाट, सॉरी दैट लाइन एजेस, ठीक है। लाइक वन फेस सेकेंड फेस, ये दोनों यहां मिल रहे हैं तो ये हमारा क्या है? एज है। दिस इज दिस लाइन सेगमेंट इज आर एज। हाउ मेनी एजेस वी हैव? लाइक काउंट 1, 2, 3, 4। अब ये लाइन यहां पर भी अटैच हो रही है। 1, 4 यहां हो गई, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये यहां पर भी अटैच हो रही है। अगर आप इन्हें काउंट कर लेंगे तो हमारे पास आएंगे 12 एजेस। वी हैव 12 एजेस। नाउ वी हैव वर्टिसेस। हमारे पास वर्टिसेस कितना है? वर्टिसेस क्या होता है हमारे पास में? वर्टिसेस होते हैं जहां पर हमारे लाइन सेगमेंट्स, हमारे जो एजेस हैं वो मीट कर रहे हैं। लाइक लाइंस, लाइन सेगमेंट्स जो हमारे एक जगह पर मिल रहे हैं, दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस। लाइक 1, 2 and 3 ये यहाँ पर आकर के मिल रहा है तो ये हमारा क्या है? वर्टिसेस है। तो हमारे पास इसमें वर्टिसेस होते हैं 8। फाइन, वी हैव 8 वर्टिसेस। अगर हम इसका हम एक ले लेते हैं, यू कैन से अ, ठीक है। नेक्स्ट लेके देखते हैं इसका, हम लेते हैं सी पार्ट, ठीक है। सी में क्या है? वी हैव अ कोन। व्हाट वी हैव? वी हैव अ कोन शेप। कोन शेप में कितने वर्टिसेस हैं, कितने फेसेस हैं और कितने एजेस हैं हमें वो निकालना है। फाइन, अब एक कोन लेते हैं। कोन में क्या होता है? आइसक्रीम कोन आपने देखा है, आइसक्रीम कोन, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक एक कंप्लीट जो फेस होता है, ये जो फेस है दिस इज कॉल्ड फेस, ये राउंड है, ठीक है। वी हैव राउंड फेस। हमारे पास एक ही फेस है इसका, एक ही फेस है। और दूसरा फेस क्या है हमारे पास में? ये फ्लैट वाला जिसके ऊपर वो रखा हुआ होता है कोन, फ्लैट फेस हुआ। हमारे पास में टू फेसेस होते हैं इसके पास, ठीक है। वन इज राउंड फेस एंड वन इज फ्लैट फेस, जो ये जिसपे रखा हुआ होता है हमारा कोन, ठीक है। The second one is edge. हमारे पास एज कितने होते हैं इसके अंदर? We have single edge in it. This one. This is the single edge. Okay, जिस पर हमारा पूरा कोन आकर के उस पर टच हो रहा है, दो फेसेस मिल रहे हैं, एक फ्लैट फेस और एक राउंड फेस, दोनों कहाँ मिल रहे हैं हमारे पास में? यहां पर आकर के मिल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड, हमारा क्या हुआ? एक एज हुआ, ठीक है। अब ये राउंड एज है हमारे पास में, स्ट्रेट एज नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास में कोन है वो राउंड शेप में है नीचे से। तो हमारे पास में क्या है? एक एज हुआ। अब वर्टिसेस देखते हैं। डू वी हैव वर्टिसेस इन इट? यस, वी हैव वर्टिसेस इन इट। दिस इज कॉल्ड आवर वर्टिस, वर्टेक्स। दिस इज आवर वर्टिसेस। यहां पर हमारे कोन का एक पॉइंट आकर के मिल रहा है, जहां पर हमारे ये जो शेप है वो जाके मिल रही है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड वन वर्टिसेस। तो वी हैव वन वर्टिसेस, ठीक है। तो एक और लेके देखते हैं, स्फीयर लेते हैं, डी शेप, ठीक है। डी क्या है? वी हैव अ बॉल, ठीक है। व्हाट वी हैव? वी हैव अ बॉल। इसके अंदर हमारे पास कुछ है? लेट्स चेक। डू वी हैव फेस इन इट? यस, वी हैव अ राउंड फेस इन इट। बॉल के पास में पूरा एक फेस होता है राउंड, आपने देखा होगा। वी हैव वन राउंड फेस। डू वी हैव एजेस इन इट? नो, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव एनी एज इन इट, नो। डू वी हैव वर्टिसेस? यहाँ पर कोई पॉइंट है जहां पर अपने दो एजेस मिल रहे हैं, जब हमारे पास में एज ही नहीं है तो वर्टिसेस कैसे हो सकते हैं? जीरो, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। हमारे पास में अब आता है एक, हमारे पास में ये है सिलेंडर, ठीक है, बी पार्ट सिलेंडर।
चलिए अब इसमें देखते हैं, हमारे पास ना केसेस हैं सिलेंडर के अंदर। यस वी हैव थ्री फेसेस इन सिलेंडर। हमारे पास में क्या है, टू तो ये है फेसेस, एक ये फेस है ठीक है, और एक हमारे पास में राउंड फेस है ठीक है। हमारे पास में इसमें थ्री फेसेस हैं, वन राउंड, एक ऊपर से एक क्या हुआ फ्लैट फेस, वन राउंड फेस, हियर इज अ फ्लैट फेस। सो वी हैव थ्री फेसेस, टू फ्लैट फेसेस एंड वन राउंड फेस, लाइक इट इज अ सिलेंडर ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में एक ये वाला फेस है जो फ्लैट है, एक ये वाला फेस है जो हमारे पास फ्लैट है, और ये वाला जो फेस है वो हमारे पास में राउंड फेस है, कर्व्ड फेस है, जिसमें कर्व्ड है स्पेस के अंदर ठीक है। सो वी हैव थ्री फेसेस इन इट एंड एजेस, डू वी हैव एजेस इन इट, यस वी हैव टू एजेस इन इट, वन एंड टू, क्योंकि ये जो पूरे जो फेसेस है वो कहां मिल रहे हैं, एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है। सो वी हैव टू एजेस। डू वी हैव वर्टिसेस इन इट, वी हैव नो वर्टिसेस इन इट, ओके जीरो। नाउ मूव टू नेक्स्ट, मेजरिंग एंड ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट, मेजरिंग एंड ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट मेजर्स, ओके। मेजरिंग इसमें है कि मेजरिंग कैसे होती है ठीक है। मेजरिंग बेसिकली होता क्या है, मेजरिंग होता है किसी भी चीज को उसको एक प्रॉपर शेप के साथ में उसे एक प्रॉपर मेजरमेंट देना, कि कोई चीज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, या फिर कितने सेंटीमीटर्स की है, कितने इंचेस की है वो हमें उस चीज को, या फिर कितने मिलीमीटर्स की है, ये हमें उसका मेजरमेंट बताना होता है, दैट इज कॉल्ड मेजरिंग ठीक है। लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल हियर, आई हैव अ लाइन ए एंड बी। अगर आप इसे स्केल से नापेंगे, कॉमन स्केल लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट मैं नापने बैठूंगी तो ये बैठेगा ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स का ठीक है, और अगर आप इसे पेपर पर बना करके देखेंगे तो ये 4 या 5 सेंटीमीटर्स का ही बनेगा ठीक है। जब आप अपना स्केल यहाँ रखेंगे उसे देखेंगे कि दोनों पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट सेंटीमीटर से लेकर के लास्ट सेंटीमीटर जहां तक आपका सेकेंड लाइन है, सेकेंड बी पॉइंट है, उसे हम कहते हैं मेजरिंग, ओके। नाउ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग होता है टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना। अगर आपको मैंने दिया कि आपको 7 सेंटीमीटर्स का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, यू हैव 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, व्हाट आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसे, आप एक 7 सेंटीमीटर स्केल से बनाएंगे ए पॉइंट बी पॉइंट 7 सेंटीमीटर्स स्केल से बनाएंगे, तो ये क्या हुआ हमारा ड्रॉइंग ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अंडरस्टैंड। नाउ एक्सरसाइज पे आते हैं हम, अब एक्सरसाइज नंबर है 7.1। फाइन, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट ठीक है। इसका है फर्स्ट का, मैं एक मैं करवा देती हूँ, बाकी के बच्चा आप खुद करेंगे, आप अपनी स्केल लेकर के उसे आप लाइन को मेजर करेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर्स की है ठीक है। लाइक ए देखते हैं, ए हमने बनाया लाइक दिस, ए टू बी, आपने स्केल रखा है यहाँ पर, आपका स्केल, आपके स्केल का 1 सेंटीमीटर का पॉइंट यहाँ होगा, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 ये मानते हैं इतना हुआ, तो इसमें देखना है आपको ये कितने सेंटीमीटर्स का है, ओके। आप उसको लाइंस को चेक करेंगे अपना स्केल रख करके कि योर फर्स्ट सेंटीमीटर एंड लास्ट सेंटीमीटर इज वाज ठीक है, कि आपका लास्ट सेंटीमीटर क्या है उससे आप मेजर करके लिखेंगे ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 2,
ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग मेजर्स यूजिंग अ रूलर। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है कि आपको इसके अंदर लाइन सेगमेंट बनाना है 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर का। आप सिंपल सी बात है, आपका स्केल लीजिए, लाइक दिस इज योर स्केल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ 5 सेंटीमीटर का, आपको वो बनाना है लाइन सेगमेंट। आप अपना स्केल रखेंगे ऐसे, यहाँ से आप फर्स्ट सेंटीमीटर आप ट्राई करेंगे, ये आपका फर्स्ट सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट। ओके, आप इसे एक मेजरिंग नंबर देंगे ए टू बी, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम आता है कर्व पे। कर्व क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, कर्व क्या होता है, अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट इज अ कर्व। इफ दिस इज कॉल्ड लाइन ए टू बी, अगर मैं इस लाइन को घुमा दूं, लाइक दिस यू कैन से दिस इज कॉल्ड कर्व्ड लाइंस। जो घूमी हुई होती है, जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, दैट आर दोज आर कॉल्ड कर्व्ड लाइंस, दीज आर कॉल्ड कर्व्ड लाइंस ए बी। ये अब ऐसे चलेंगी, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं आएंगे, हम घूम कर आएंगे पूरा, हम पूरा सर्कल कवर करके यहां तक आएंगे, दीज आर कॉल्ड कर्व लाइंस। ठीक है, अब कर्व लाइन जो होती है वो दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है क्लोज कर्व, फर्स्ट होती है इसमें क्लोज कर्व। इसमें क्या होता है कि इट इज अ कर्व बिगिंस एंड एंड्स ऑन द सेम पॉइंट। इसका जो कर्व है वो जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है, लाइक कि ये सर्कल है, मैंने इसे यहां से शुरू किया था और ये यहीं पर फिनिश हुआ। और जरूरी नहीं है कि सर्कल शेप में, ये कोई भी शेप हो सकता है, लाइक दिस आई स्टार्टेड दिस कर्व लाइन फ्रॉम हियर एंड आई फिनिश दिस on this point, same point, the starting and beginning point are the same, are called curved lines, ठीक है, sorry, closed lines. Second, next page पे आइए, page number 105, open curve, ठीक है। Next is ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होगा, इट जस्ट सिंपल एज अ नेम शोज, क्लोज मतलब बिगिंस एंड एंड विद अ ऑन अ सेम पॉइंट। ओपन कर्व मतलब कर्व ओपन है आपका, आपका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक नहीं होगा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, मैंने यहां स्टार्ट कहां से किया, ए पॉइंट से, और फिनिश कहां किया, बी पॉइंट पर। हमारा जो बीच का जो ये पॉइंट है, ये हमारा खुला हुआ है, ये ओपन है, ठीक है। लाइक एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, चलो सिंपल, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर मैंने फिनिश किया, दिस इज कॉल्ड ओपन कर्व। दिस दीज आर कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस क्या होती है, जो कि स्ट्रेट नहीं होती है, दोज आर कॉल्ड कर्व्ड लाइंस, दीज आर कर्व्ड लाइंस। और जो कि ओपन है, मतलब ये ओपन कर्व है, और ये क्लोज है, तो ये क्लोज कर्व है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पॉलीगंस क्या होते हैं। पॉलीगंस होते हैं अ क्लोज प्लेन शेप मेड अप थ्री और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली क्या होता है कि हमारे जितने भी शेप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट पास में पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज प्लेन लाइन, ठीक है, हमारे पास में जैसे कि ये है, बेसिकली इट्स अ शेप, वी कैन से इट्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है, वी हैव थ्री लाइन सेगमेंट्स ए
बी एंड सी. वी हैव थ्री लाइन सेगमेंट्स. क्या है? एक है ए टू बी, ए टू बी. वी हैव बी टू सी और सी टू ए. वी हैव थ्री लाइन सेगमेंट्स और इसके अंदर मोर देन थ्री भी हो सकते हैं. ठीक है, मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन. मिनिमम तीन होने ही चाहिए. विदाउट थ्री लाइन सेगमेंट यू कैन मेक शेप. आप दो लाइन के साथ में शेप नहीं बना सकते. दो लाइन सेगमेंट के साथ में जैसे कहां बनेगा बताइए आप. इज देयर एनी शेप? इज दिस अ शेप? नो. इज दिस अ शेप? नो. दीज आर टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, मिनिमम थ्री एंड मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट्स मेक कॉल्ड फर्स्ट हमारे पास में ट्राइंगल, सेकेंड हमारे पास में दिस स्क्वायर शेप ए बी सी डी. वी हैव फोर लाइन सेगमेंट्स इन इट. ए टू बी, बी टू सी, C to D and D to A. So we have four line segment in it. ऐसे ही हमारे पास में आप hexagon बना सकते हैं, heptagon, octagon, nonagon, decagon, all are the same. जिसमें decagon में 10 line segments होता है. चलिए वो देखते हैं. For example, decagon देखते हैं. ठीक है, इसके हमारे पास क्या है? 10 line segments है. Okay. Fine. Fine. What we have? We have 10 line segments in it. इनको आपस में अटैच कर देंगे. हमारे पास कहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. हमारे पास में यहां तक है 1 2 3 4 6 7 8 9 10. वी हैव 10 पॉइंट्स. वी हैव 10 पॉइंट्स हियर. दीज आर कॉल्ड, दिस शेप इज कॉल्ड डेकेगन, जिसके अंदर 10 पॉइंट्स है हमारे पास में. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास 10 लाइन सेगमेंट्स कैसे होंगे? फर्स्ट ए टू बी, सेकेंड इज बी टू सी, थर्ड वन इज सी टू डी, फोर्थ वन इज डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, ठीक है, G to H, H to C, H to I, sorry, H to I, I to J and J to A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have 10 line segments in this shape. So this shape is called decagon. Okay? चलिए next पे आते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ ऑल. अगर कोई इश्यू हो तो हम इसे क्लास में कवर कर लेंगे. ठीक है, फाइन. एक्सरसाइज आता है हम 7.2 पर. 7.2 में क्या है? जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं सबके नाम होते हैं अलग अलग. ठीक है, लाइक पेंटागन में क्या होगा हमारे पास में? पेंटागन का मतलब होता है, पेंटा का मतलब होता है 5 by 5. हमारे पास में 5 6 शेप्स हैं इसके. ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं. नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है. इसका ए पार्ट देखेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 1 का ये एक जगह से ओपन है तो ये ओपन कर्व है, सेकंड क्लोज है, सी ओपन है और डी भी ओपन कर्व है. ठीक है, ऐसे बाकी क्या आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ सिंपल क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व. ये हमने पढ़ा है अभी. वो थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ योर पॉलीगन विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स.
ड्रॉ या पॉलीगन्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स. हमने पॉलीगन्स अभी पढ़े हैं, लाइन सेगमेंट से थ्री और मोर देन थ्री लाइन से लाइन सेगमेंट से बने हुए शेप्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स. तो वो आप बनाएंगे, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था इसके लिए. क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर्म अ पॉलीगन विद टू मैच स्टिक्स, थ्री मैच स्टिक्स, फोर मैच एंड फाइव मैच स्टिक्स. इज दैट पॉसिबल कि हमारे पास टू से भी बन सकता है पॉलीगन शेप? नहीं बन सकता. आप थ्री से बना सकते हैं, फोर से बनेगा, फिफ्थ स्टिक बन जाएगा. सो इजी, यू कैन मेक. हमने अभी जस्ट ट्राई किया है, फिफ्थ टेन वाला हमने बना के देखा है. फाइव वाला क्या करेंगे, फाइव मैच स्टिक से वन टू थ्री, एक ये बनाया, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है. ए बी सी डी ई, दिस इज कॉल्ड पेंटागन, जिसके अंदर पांच लाइंस होती हैं, पेंटागन शेप, ठीक है. इन केस व्हाट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू फॉर्म अ पॉलीगन रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग इन योर नोटबुक. हमारे पास में टू मैच स्टिक से कोई भी शेप नहीं बन सकता, मिनिमम थ्री होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज अ क्वाड्रेटेरियल एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटेरियल. क्वाड्रेटेरियल के अंदर कितने होते हैं? क्वाड्रेटेरियल के हमारे पास में होते हैं फोर सेगमेंट्स, फोर लाइन सेगमेंट्स में क्वाड्रेटेरियल. इट्स अ क्वेश्चन नंबर फाइव, ओके. फोर लाइन सेगमेंट्स हम मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास क्वाड्रेटेरियल. लाइक वी हैव अ स्क्वायर, स्क्वायर इज अ स्क्वायर के अंदर फोर लाइन है, वन टू थ्री फोर, वी हैव फोर लाइन इन स्क्वायर. एक हम लेते हैं डायमंड शेप, वी हैव डायमंड, डायमंड के अंदर भी कितने लाइंस हैं? वन टू थ्री फोर, वी हैव फोर लाइंस इन डायमंड. सो स्क्वायर एंड डायमंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटेरियल, ठीक है. चलो अब आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं. आप यहाँ तक के जो अपने एक्सरसाइज हैं 7.1 एंड 7.2 इसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों. तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन.